जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। नमस्कार मित्रों, आपको हम लेकर आए हैं अपने YouTube चैनल पर, जिसमें आपको दिखाते हैं किस प्रकार एक नील गाय के साथ किन लोगों ने इतना दुर्व्यवहार किया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, यह नील गाय जीवित बैठी हुई है, जीवित जैसा कि आपको दिख रहा है। इसका एक पैर पीछे वाला आपको दिख रहा हो तो पूरा अलग टूट चुका है, हड्डी निकल रही है, जिसकी सूचना फॉरेस्ट को दी थी, वन विभाग को दी थी। काफ़ी देर के बाद वो आए, मौके पर आए, लेकिन जब तक उसकी सांस चली गई। जैसे कि वीडियो में आप देख रहे हैं, गांव के लोगों ने बताया कि वो मंदिर है पास में जहां वो पूजा करने जाते हैं, तो वहीं देखा एक नील गाय की आवाज़ आ रही है। तो उन्होंने जाकर देखा, उसका एक पैर टूटा हुआ था, जैसा लग रहा था किसी ने हथियार से उसका पैर काट दिया हो, क्योंकि आए दिन ऐसी घटनाएं आ रही हैं जिनमें नील गाय का मांस बेचा जा रहा है, वह उनके बाल, उनकी आंखें, अन्य चीज़ें, लोग मांस भी खाते हैं, उनका शिकार किया जा रहा है, जिसकी सूचना वन विभाग को भी है, सबको दिया, लेकिन कोई भी कार्रवाई सुनवाई नहीं होती। ऐसा ही एक मामला आया, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, मई गांव से जगतपाल सिंह तोमर जी ने हमें बताया कि उनके गांव के पास एक गाय, नील गाय, घायल डली हुई है। फिर फॉरेस्ट की टीम गांव में पहुंची, जहां आप देख रहे हैं स्थानीय लोग जगतपाल जी के साथ अभय तोमर, आकाश तोमर, विष्णु तोमर, अखंड तोमर, ललित तोमर, सचिन शर्मा साथ में जा रहे हैं, और आप देखिए किस प्रकार उसको उठाकर लाएंगे। काफ़ी झाड़ियाँ, बेहड़, निचली जगह जिसमें वहाँ बेचारी पड़ी हुई थी, उसको पानी वानी भी पिलाया। सुबह 8-9 बजे की सूचना करी, जब जाकर वन विभाग की टीम 3-4 बजे मई गांव पहुँची, जहाँ उसका रेस्क्यू किया। उसे उठाने वाला कोई नहीं था, ना फॉरेस्ट के अधिकारी उठा रहे थे, ना कोई, फिर स्थानीय गांव के युवाओं ने उसे उठाया। और आपको कहीं भी कोई घायल, बेसहारा, कोई भी जानवर, वन्य जीव, पशु पक्षी दिखे तो उसकी सूचना सबसे पहले फॉरेस्ट को दें। फॉरेस्ट पशु, जैसे कि वन विभाग फॉरेस्ट के हैं, मतलब उनको दें। अगर कोई गाय, कुत्ते, बिल्ली, उन वो घायल मिले तो उसकी सूचना हमें दें। आपको हमारा नंबर दिख रहा है, उस पर संपर्क करें। फिर फॉरेस्ट के द्वारा इस नील गाय को युवाओं के द्वारा उठवाया गया, और देखिए किस प्रकार अब गांव के युवा इसे उठाकर ऊपर ले जाएंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। बेचारी, अगर उपचार मिल जाता या कुछ भी सुविधा तुरंत हो जाती तो उसकी जान बच सकती थी, लेकिन दुख है, फॉरेस्ट के पास केवल एक गाड़ी है, एक गाड़ी पहले थी, ड्राइवर केवल एक है। उनको फ़ोन लगाओ अधिकारियों को, तो कहते यहाँ हैं हम, वहाँ हैं, मुरैना से आएगी गाड़ी, अम्बा से आएगी, अम्बा ब्लॉक लगता है, आप उनको फ़ोन लगाएं। ऐसा नहीं कि तत्काल ऐसी सूचना मिले कोई घायल है, वन्य जीव, तो उसको मदद मिल सके, लेकिन मरने के बाद उसको लेने के लिए आ जाते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। उद्देश्य हमारा ये है कि हमारा हौसला बढ़ता है, लोग देखते हैं, लाइक करते हैं, अगर हो सके तो आप शेयर ज़रूर करना वीडियो को, जिससे अन्य लोगों तक पहुंच सके, देख सके कि इनको भी बचाने का कोई उपाय हो सकता है। तो आप कमेंट में हमें बताएं इनके लिए क्या किया जा सकता है, इनको कैसे सुरक्षित रखा सकते हैं, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग लोग बताते हैं कि उनके समय में कितने जानवर थे, सब विलुप्त हो गए, सब मर गए। इसी प्रकार आने वाली पीढ़ियों को ये देखिए किस प्रकार पैर कटा हुआ पड़ा है, कहीं कुत्ते हमले करते हैं, कहीं कुछ, कहीं कुछ। आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर ज़रूर करें। इसी के साथ
धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए उस नील गाय को फॉरेस्ट वाले ले जा रहे हैं, तो आप भी अब अंतिम में वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें जिससे हमारा उत्साह बढ़ेगा, तो हम आगे भी ऐसे रेस्क्यू कर सकें।